अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास, दिस इज़ योर साइंस क्लास एंड वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 4, मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। एंड आवर टॉपिक इज़ यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी कि इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूज़ कर रहे थे पेज नंबर 54 पर। नेक्स्ट पेज नंबर 55 की आज हमें रीडिंग करनी है। इस पेज पे हमने लाउड स्पीकर के बारे में पढ़ा था कि लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो किस तरह से यूज़ होता है। नेक्स्ट पेज जो है उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 55, अ रिले इज़ अ स्विच कंट्रोल्ड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। रिले जो है एक ऐसा स्विच है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के जरिए से कंट्रोल किया जाता है। इट यूज़ अ स्मॉल करंट टू स्विच ऑन अ सेपरेट सर्किट, विच में कैरी अ मच लार्जर करंट। इसको बहुत ही कम करंट की ज़रूरत होती है ऑन होने के लिए, और अलहदा सर्किट की ज़रूरत होती है और इसमें बहुत ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो कर रहा हो। डायग्राम दिखाई गई है, उसमें कार की स्टार्टर मोटर को ऑन करने के लिए जो रिले सिस्टम यूज़ किया जाता है उसको दिखाया गया है। व्हेन द इग्निशन स्विच इज़ टर्न ऑन, द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स ऑन एन आयरन लीवर। जब इग्निशन स्विच को ऑन किया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो आयरन लीवर को पुल करता है। दिस क्लोजेज द कॉन्टैक्ट इन द रिले अलाउइंग अ मच लार्जर करंट टू फ्लो ऑन टू द स्टार्टर मोटर। इससे स्टार्टर मोटर में जो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है, इफ़ दिस लार्जर करंट फ्लोड थ्रू द वायर ऑफ द इग्निशन स्विच इट वुड मेल्ट देम। अगर यही लार्जर करंट थ्रू द वायर्स ऑफ द इग्निशन स्विच के वायर में से गुजर जाए तो ये उनको इतना ज़्यादा होता है कि ये उनको मेल्ट कर सकता है। तो ये डायग्राम में आप इसकी स्टार्टर मोटर में रिले सिस्टम की डायग्राम जो है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अ सर्किट ब्रेकर इज़ एन ऑटोमेटिक सेफ्टी डिवाइस फाउंड इन मैनी होम्स। बहुत से घरों में सर्किट ब्रेकर जो है एज अ सेफ्टी डिवाइस एक्ट कर रहे होते हैं। किस तरह से? इफ़ अ करंट इन अ सर्किट गेट्स टू हाई, अगर किसी सर्किट में करंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, द सर्किट ब्रेकर कट इट ऑफ। सर्किट ब्रेकर जो है वो इसको कट ऑफ कर देता है। एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द टू कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल्सो थ्रू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो थ्रू द टू कॉन्टैक्ट्स, दोनों से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है, एंड ऑल्सो थ्रू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी जो है वो फ्लो कर रहा होता है। अ स्प्रिंग इज़ ट्राइंग टू पुल द कॉन्टैक्ट अपार्ट, बट देयर इज़ एन आयरन बार विद अ कैच विच स्टॉप देम फ्रॉम सेपरेटिंग। एक स्प्रिंग जो है वो दोनों कॉन्टैक्ट्स को अलहदा कर रहा होता है, लेकिन आयरन बार जो है वो उनको अलहदा होने से रोकता है। With a catch which stop them from separating. If the current gets too high, अगर current जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, the electromagnet gets stronger. Electromagnet जो है वो बहुत stronger हो जाता है, pull the iron bar and releases the catch. Iron bar जो है उसको pull कर लेता है और releases the catch. The spring pulls the contacts apart, so the current is switched off. Spring जो है वो contacts को अलहदा कर देता है और current जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है। ये सारा फिनोमेना या फिर ये सारा प्रोसीजर बताया गया है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है वो सेफ्टी डिवाइस है और ये सेफ्टी डिवाइस एक्ट किस तरह से कर रही होती है। तो इसका टेस्ट योरसेल्फ जो है वो हमने इसके पहले दो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपने स्किप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन व्हाई मेनी होम्स हैव मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स इन देयर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ये जो हमने अभी रीडिंग की कि बहुत सारे घरों में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स क्यों होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, इसका आंसर जो है ये हम पे दिया गया है सॉल्यूशन की फॉर्म में। सर्किट ब्रेकर इज़ एन ऑटोमेटिक सेफ्टी डिवाइस फाउंड इन मेनी होम्स। ये ऑटोमेटिक यानी कि खुद ब खुद चलने वाली सेफ्टी डिवाइस है, बहुत से घरों में पाई जाती है। इफ़ अ करंट इन अ सर्किट गेट्स टू हाई, द सर्किट ब्रेकर कट इट ऑफ। अगर उसमें करंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो सर्किट ब्रेकर जो है वो उसको कट ऑफ कर देता है, ताकि ज़्यादा करंट बहने की वजह से कहीं पे कोई डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इसका कर लेना है और इसको अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन कर लेना है।